127 अब मियार एक्सप्रेस आज 80-53 लोकोमोटिव के साथ आ रही है, यानी काफ़ी अरसे के बाद आज 127 और 128 के साथ लोकोमोटिव चेंज किया गया है। पहले तो 80-45-41 ये चलते हैं, आज 80-53 आ रहा है। और खुशकिस्मती ये है कि इसके भी 8 नाचेज हैं, यानी ये भी धुआं बहुत ज़्यादा छोड़ता है। आज डेट है 13 अक्टूबर 2023, 5:15 ट्रेन राइट टाइम आ रही है। तो आइए फिर देखते हैं 127 आप 80-53 के साथ। का धुआं देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। 128 डाउन मियार एक्सप्रेस का 10 लेट डिपार्चर हो गया सनावा रेलवे स्टेशन से 80-52 लोकोमोटिव के साथ। और लाइट अभी तक विजिबल नहीं है क्योंकि स्मोगी वेदर है। आज डेट 4 नवंबर 2023, 6:28। अब छोटी छोटी लाइट विजिबल हो रही हैं। थल एक्सप्रेस फॉगी स्मोगी वेदर में सनावा रेलवे स्टेशन पे पहुंच रही है और इस फॉगी वेदर की वजह से आज तकरीबन 25 लेट आ रही है ट्रेन। आज डेट 4 नवंबर 2023, टाइम है 8:57 और आज 129 आपके साथ लोकोमोटिव है HBU 28030। तो आइए फिर फॉगी वेदर में देखते हैं ट्रेन का रेलवे स्टेशन पे अराइवल और ट्रेन कैसे ब्रेक अप्लाई करती है जब स्टेशन पे इंटर होती है। तो इसीलिए थोड़ा स्टेशन से आउटसाइड ठहरेंगे। ये सनावा रेलवे स्टेशन है। ये मेन लाइन है ये वाली, और वो लूप लाइन और जो थर्ड लाइन आपको नज़र आ रही है ये है बैंडेड लाइन, इधर ट्रेन नहीं जा सकती। ज़्यादा वर्किंग इसी मेन लाइन पे होती है, लूप लाइन भी बस गुजारा है इधर, लोडेड गाड़ी नहीं ठहराते।
आइए फिर इस जगह से आज 129 अबताला एक्सप्रेस देखते हैं, स्टेशन से थोड़ा आउटसाइड। ट्रेन अब सनावर रेलवे स्टेशन के करीब पहुंचने वाली है, लेकिन अभी तक लाइट्स विजिबल नहीं है क्योंकि वेदर स्मोगी है। 80-30 के 8 थ्रॉटल लॉचेज हैं और 6 ट्रैक्शन मोटर्स हैं, जो कि आज 129 आपके साथ आ रहा है। तो मैं आपको रेलवे लाइंस के बारे में बता रहा था, जहाँ मैं ठहरा हूँ ये मेन लाइन है सनावर रेलवे स्टेशन की, और ये है लूप लाइन। ये देखें, ये भी बस डैमेज्ड है, ये डैमेज लाइन है। इधर से भी बस ट्रेन नहीं गुजरती इतना ख़ास, ऐसे तो इधर इतना क्रॉस होते नहीं है ट्रेनों के। और ये है अबेंडेड लाइन, यानी कि जो थर्ड नंबर पे है, इधर तो बिल्कुल भी ट्रेनें नहीं आती, क्योंकि इधर आप देखें ना, ये उस ट्रैक के बदले में थोड़ी पतली भी है और टेढ़ी भी हो चुकी है। ये देखें, जबकि इस ट्रैक को देखें, इसके बदले में इसकी जो रेल है ये थोड़ी ज़्यादा मोटी है उसके बदले में। मेन लाइन तो वैसे भी वर्किंग वाली लाइन है, तो इसकी तो रिपेयरमेंट हर दूसरे दिन तीसरे दिन की जाती है। ट्रेन का विसल अब सुनाई दे रहा है, यानी अब फाटक पे पहुंच गई होगी ट्रेन, जहाँ मैं पहले वीडियो बनाता हूँ। असल मैंने आज ये जगह इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इधर जब ट्रेन जो है ब्रेक अप्लाई करती है तो बहुत ही ज़बरदस्त साउंड क्रिएट होती है, तो मैंने कहा कि आज इधर ही वीडियो बनाते हैं। रुक यानी कि ट्रेन जब स्टेशन पे इंटर होती है तो कैसे रुकती है। अभी तक लाइट्स विजिबल नहीं है और सिग्नल डाउन है, आपको नज़र आ रहे होंगे मेन लाइन का सिग्नल डाउन है। ये रेलवे स्टेशन के साथ जो मेन लाइन है उसकी थोड़ी कंडीशन देखें। ये बस रेलवे ट्रैक भी बस गुजारा है, यानी इसकी भी हालत जो है ना ज़्यादा अच्छी नहीं है। सारे इधर लकड़ी के फट्टे और लोहे के फट्टे लगाए हुए हैं, इधर लगाने चाहिए सीमेंट के फट्टे, जैसा कि मुल्तान और शेरशाह साइड पे लगे हुए हैं। यानी वहाँ तो सेक्शनल स्पीड भी मेरे ख्याल में 110 है, जबकि कुंदिया सेक्शन जो कि हमारा सेक्शन है, बखर कोटादू मुजफ़्फ़रगढ़ कुंदिया दाऊद के लिए, इधर जो है ना 80 की स्पीड, सेक्शनल स्पीड 80 है। ट्रेन का भी सलाब आ गया है, तो आइए फिर देखते हैं आप। रेलवे ट्रैक की हालत देखें, सनावर रेलवे स्टेशन पे इतना रश नहीं है मुसाफिरों का ताला एक्सप्रेस के चलने के लिए। ट्रेन की लाइट्स हल्की हल्की विजिबल हो रही हैं, कैमरा में तो अभी इतना नज़र नहीं आएंगी। अस्सी 30 लोकोमोटिव का जो विसल है, ये जो परमानेंटली डिलीट हो गया लोकोमोटिव 80-35, सेम टू सेम उसी की तरह है। यानी 80-35 का जो विसल था वो भी ऐसा ही था, लेकिन 80-35 तो अब जो है परमानेंटली डिलीट हो गया। अब ट्रेन सनावर रेलवे स्टेशन के होम सिग्नल्स के करीब आ गई है, लाइट्स आपको नज़र आ रही होंगी।
आज भी थार एक्सप्रेस के साथ मेरे ख्याल में सिर्फ 8 कोचेज ही लगी हुई हैं, जिनमें एक पावर वैन और 7 इकानमी क्लास कोचेज। ये था 129 आपका स्पीडी अराइवल सनावा रेलवे स्टेशन पे। अब ट्रेन के चलने तक तो मैं इंजन तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि स्टाफ सिर्फ 1 मिनट का है। इतनी देर में तो मैं नहीं पहुंच सकूँगा बिल्कुल भी। ये पावर वैन भी है और लगेज वैन भी है। पहले तो इंजन के साथ वीडियो बनाते हैं, आज तो इंजन काफ़ी दूर है।